Of Mice and Men by John Steinbeck. John Steinbeck was born in California in Unisodo. His books focus mainly on people who struggle to fit in. His most famous book, The Grapes of Wrath, earned him a Pulitzer Prize in literature. He was also awarded the 1962 Nobel Prize in Literature. Of Mice and Men is a story of friendship, hardship. एंड दिन ड्रीम प्लॉट जॉर्ज और लेनी नाम के ये दो प्रवासी कामगार कुछ खेत में हाथ से काम करने के लिए जाते हैं और अपनी नौकरी शुरू होने से पहले रात बिताना बंद कर देते हैं वे लंबे समय से एक साथ यात्रा कर रहे हैं और लेनी एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं जो उन्हें हमेशा परेशानी में डालते हैं एक बात जो उसे परेशानी में डालती है वह यह है की वह जानवरों या एक महिला की पोशाक जैसी कोमल चीजों को छूना पसंद करता है उन्होंने एक बार एक महिला की पोशाक को छुआ और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए उस रात वे रात का खाना खाते हैं और जॉर्ज लेनी को नई नौकरी के बारे में बताते हैं और उन्हें कुछ बुरा नहीं करना चाहिए तब लेनी एक रान ट्रेंडिंग खरगोशों के मालिक होने के अपने सपने के बारे में बात करती है इस पूरी किताब के दौरान सभी लेनी अपने लानत खरगोशों के बारे में बात कर रहे हैं अगले दिन वे ऑरेंज पर जाते हैं और कैंडी और उसके कुत्ते से मिलते हैं कैंडी उन्हें खेत के बारे में बताता है और उनकी नौकरियां क्या हैं। फिर जॉर्ज और लेनी बॉस से मिलते हैं बॉस पागल है कि वे सुबह की पारी से चूक गए फिर जॉर्ज बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्हें गलत दिशा मिल गई है बॉस उनसे बात करता है और लेनी पर बहुत संदेह करता है क्योंकि वह एक बड़ा बेवकूफ प्रतीत होता है जॉर्ज ने लेनी पर बाद में चिल्लाया क्योंकि वह एक बड़े बेवकूफ के रूप में आया था फिर करली बॉस का बेटा चलता है और दोनों लोगों से मिलता है करली लेनी के साथ लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है तब जॉर्ज लेनी को करली से दूर रहने के लिए कहता है फिर करली की पत्नी एक बड़ी वेश्या की तरह चलती है लेनी को छोड़कर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है जॉर्ज लेनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है लेनी छोड़ना चाहता है क्योंकि वह खेत से नफ़रत करता है लेकिन जॉर्ज तब तक रहना चाहता है जब तक वे अपने सपनों के खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बनाते फिर स्लिम मंदर चला जाता है वह लेनी और जॉर्ज से एक साथ यात्रा करने के बारे में बात करता है फिर वह सभी को बताता है कि उसका कुत्ता सिर्फ पिल्ले था स्लिम और कार्लसन कैंडी के पुराने कुत्ते को मारने और कैंडी को पिल्ला देने की बात करते हैं। फिर जॉर्ज पूछता है कि क्या लेनी पिल्लों में से एक हो सकती है बाद में उस दिन स्लिम और जॉर्ज बात करते हैं और जॉर्ज उसे बताता है कि लेनी मंदबुद्धि है और वह लेनी की देखभाल करता है फिर जब सब लोग एक साथ होते हैं तो कार्लसन कैंडी को भीख मांगता है कि वह कुत्ते को मार दे क्योंकि कार्लसन चाहता है कार्लसन ने कुत्ते को सिर के पीछे गोली मार दी फिर कैंडी जॉर्ज की बात सुनती है और लेनी अपने ड्रीम लॉन्च के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करती है कैंडी इसका हिस्सा बनना चाहती है और उन्हें प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी देती है करली अपनी पत्नी को ढूंढता है और चल नहीं पाता है करली बड़े लेनी को मुस्कुराते हुए देखता है क्योंकि वह अपने लानत खरगोशों के बारे में सोच रहा है लेकिन करली को लगता है कि लेनी उसका मज़ाक उड़ा रही है इसलिए करली उससे लड़ने लगता है और लेनी वापस लड़ती है और करली का हाथ कुचल देती है बाद में उस रात जॉर्ज और अन्य लोग एक स्थानीय अवेश्या घर में थे खेत में वापस लेनी बदमाश बदमाश के घर में काले आदमी से बात कर रहा है कैंडी चलता है और लेनकी के खेत के सपने के बारे में बदमाश को बताता है फिर बदमाश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तब करली की पत्नी बदमाशों की जगह पर जाती है और सभी से बात करती है फिर जॉर्ज घर आता है और पागल हो जाता है क्योंकि लेनी ने दूसरों को अपने सपने के बारे में बताया अगले दिन लेनी पिल्ला को संभाल रहा है लेकिन क्योंकि लेनी बड़ा है और उसे कोई बेहतर पता नहीं है वह गलती से पिल्ला की गर्दन तोड़ देता है फिर करली की पत्नी खलिहान में आती है और लेनी को कुत्ते को छिपाने की कोशिश करती है वे बात करते हैं और लेनी उसे बताती है कि उसे नरम चीजें पसंद हैं, इसलिए वह उसे अपने बालों को छूने के लिए आमंत्रित करती है एक बार फिर बड़ा बेवकूफ़ लेनी उसे बहुत मुश्किल से छूता है वह चिल्लाती है और फिर घबराहट में वह उसकी गर्दन को छीन लेती है फिर लेनी चलता है कैंडी शरीर पाता है और वह और जॉर्ज एक खेत के लिए अपने सपनों के बारे में बात करते हैं जॉर्ज एक बंदूक चुराता है और लेनी की तलाश में जाता है करले उसे लिंच करना चाहते हैं लेकिन जॉर्ज बस उसे दर्द से मारना चाहते हैं लेनी नदी में लौटती है जहां उन्होंने किताब की शुरुआत में रात बिताई थी जॉर्ज उस पर बहुत मुश्किल से चिल्लाता नहीं है वे पिछली बारिक खेत और खरगोशों के बारे में बात करते हैं फिर जॉर्ज लेनी को नदी के पार देखने के लिए कहता है फिर जॉर्ज ने उसे सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी जब दूसरे पहुंचते हैं तो वे लेनी और जॉर्ज के बीच संघर्ष की कहानी बनाते हैं फिर सभी रंज पर वापस चले जाते हैं सारांश का अंत। धन्यवाद